गुलबर्गा शहर में मौजूद अल सिद्दीकी टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से 17 जनवरी को उमरा रवाना होने वाले 37 मर्द और खवातीन के लिए एक रोज़ा तरबियती कैंप ऑर्गेनाइज किया गया था। इस तरबियती कैंप में मौलाना जमील अहमद सिद्दीकी उस्ताद दारुल उलूम बंदनवाज़ और हाफिज़ बुखारी, मौलाना उवैस कादरी कामिल जामिया निज़ामिया मेहमान खुसूसी की हैसियत से यहाँ शिरकत किए थे। तमाम हजरात को उमरा जाने से लेकर वापस आने तक के तमाम अहकाम सिखाए गए हैं और साथ ही इस मौके पर अक्टूबर नवंबर दिसंबर महीने में अल सिद्दीकी टूर्स एंड ट्रैवल्स के जरिए उमरा की शहादत हासिल कर चुके हुज्जा जिक्राम और 17 जनवरी को उमरा जाने वाले हजरात की अल सिद्दीकी टूर्स एंड ट्रैवल्स के सदर जनाब हाफिज जमालुद्दीन सिद्दीकी की जानिब से गुलपोशी की गई है। इस ट्रैवल्स के जरिए उमरा कर चुके हुज्जा जिक्राम ने अल सिद्दीकी टूर्स एंड ट्रैवल्स की सर्विस और तमाम इंतजाम से मुतमईन होकर खुशी का इजहार किया और दीगर उमरा जाने की ख्वाहिश रखने वालों से अल सिद्दीकी टूर्स एंड ट्रैवल्स से राब्ता करने की गुजारिश की है। हाफिज जमालुद्दीन सिद्दीकी ने बताया 17 जनवरी के बाद अगला पैकेज 24 जनवरी को रवाना होने जा रहा है। इस ग्रुप का असल प्राइस 93,000 रुपीज़ है पर ऑफर के चलते आप सिर्फ 87,786 रुपीज़ में उमरा के लिए पैकेज बुक कर सकते हैं और आगे फरवरी महीने के लिए भी पैकेजेस मौजूद हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें या फिर गुलबर्गा मुस्लिम चौक सालेहिन मस्जिद कॉम्प्लेक्स फर्स्ट फ्लोर पर मौजूद अल सिद्दीकी टूर्स एंड ट्रैवल से राब्ता कर सकते हैं। आज के इस मौके पर मैं कुछ ऐसी बातें बयान करने की कोशिश करूंगा जिससे हमें वहां जाने के बाद ज़हनी यकसुई में मदद मिले। बाकी उम्रे की तरबियत और तरीक़ा तो हमारे हाफिज़ उवैस साहब आपसे खिताब करेंगे और दूसरे लोग भी शायद खिताब करेंगे। मैं कुछ उम्रे के सिलसिले में और ज़ियारत हरमैन के सिलसिले में कुछ बातें अर्ज करूँगा। सबसे पहले मैं आप तमाम को आपकी फजीलत बयान करूँ, इसलिए कि हज और उम्रा करने वाले को हदीस शरीफ में ज़ुयूफ़ुर रहमान कहा गया, यानी अल्लाह के मेहमान। ये अल्लाह ताला बताता है कि काबतुल्लाह में हाजिरी किसी के पैसों से नहीं होती, अल्लाह की तौफीक से होती है, सिर्फ अल्लाह की तौफीक से। वो जिसे बुलाना चाहे वो आएंगे, वो जिसे बुलाना ना चाहे, चाहे जितने भी पैसे वो नहीं जा सकते। मोहतरम हाजरीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये हज हो या उम्रा, इसके लिए अल्लाह ने एक कंडीशन रखी है। अगर ये कंडीशन पूरी होगी तो वह हज भी मुकम्मल होगा, वह उम्रा भी होगा। अगर ये कंडीशन पूरी नहीं है, आप कितने भी पैसे डाल रहे हैं, कितनी भी मेहनतें कर रहे हैं, मशक्क़तें उठा रहे हैं, आप कितने भी प्रोग्राम्स कर रहे हैं, अगर वो शर्त पूरी ना हो तो आपका उम्रा भी नहीं है, आपका हज भी मकबूल नहीं है। अल्लाह ने फरमाया क्या शर्त है वो, अल्लाह फरमाता है वह अतिमुल हज वल उम्रा लिल्लाह, यानी ऐ लोगों तुम हज और उम्रा को सिर्फ अल्लाह के लिए करो, अल्लाह को दिखाने के लिए इखलास के साथ लिल्लाहियत के साथ उम्रा होना है, हज होना है, वही इबादत अल्लाह को कबूल है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत से अफराद ये समझते हैं कि बहुत मुश्किल है, कैसा होगा, ये छूट गया तो कैसा होगा, ये छूट गया तो कैसा होगा। बात ध्यान में रखें, ये तकरीबन 2 से 2.5 घंटे का सिर्फ उम्रा है, ये जो प्रोसीजर है पूरा 2 से 2.5 घंटे, 2 से 2.5 घंटे कब बीत जाते हैं हमको मालूम नहीं होता। हम क्या समझते, बहुत से अफराद बहुत मुश्किल है, कैसा होगा, कोई मुश्किल नहीं है, इंतहाई आसान ये अल्लाह ने इबादत रखी है। 2 से 2.5 घंटे में आपका उम्रा मुकम्मल होने वाला है, वो जितनी भी कंडीशंस है ना,
बाल नहीं काट सकते, इतन नहीं लगा सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ये सिर्फ 2 से 2.5 घंटे के लिए। अच्छी तरह पूरा सतर का लिहाज करते हुए आप अल्हम्दुलिल्लाह इहराम बांधेंगे। एक बात का जहन में रखिए, जब हम तवाफ़ का आगाज़ करते हैं तो उसमें शुरू में आपको इस बात का जहन में रहे कि 7 चक्कर जो तवाफ़ के होते हैं, 7ों चक्कर में आपको इज्तिबा करना है। इज्तिबा का मतलब आपका जो दायां शोल्डर है, राइट शोल्डर, ये खुला रहना है। उसके लिए क्या करेंगे आप, ये जो कपड़ा है इसको इस तरह ऊपर लेंगे तो ये खुला रहेगा पूरे 7ों चक्कर में। बाद लोगों के जहन में रहता है कि 3-4 में ऐसा है, 3 में 4 में नहीं, बल्कि पूरे 7ों चक्कर में ये हिस्सा आपका खुला रहेगा। इसको इस्तेबा कहते हैं, ये सुन्नत है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 20 तारीख दिसंबर को दो ही मियां बीबी कमलापुर से चले गए, इनके साथ कोई भी मौजूद नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, व्हील चेयर के थे दोनों भी। वहाँ पर पहुँचे, पहुँचने के बाद हमारे हाफिज साहब बैठे, इनको व्हील चेयर के ज़रिए से पूरा मुकम्मल उमरा कराए। जाते वक्त भी इनके साथ कोई नहीं था, आते वक्त भी इनके साथ कोई नहीं था। मक्का की सरजमीन पे, मदीने की सरजमीन पे सिर्फ दोनों मियां बीबी, जिन्हें चलने तक नहीं आता, ये हमारी ट्रैवल से उमरा करके आए हैं। इनकी जज्बात को मैं सलाम करता हूँ और इनके जज्बात पर खुश नसीब मैं ये हूँ कि मेरे ट्रैवल से इन्होंने सफ़र किया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप जो भी नाज़रीन जो उमरा के लिए जा रहे हैं, ये उनकी बड़ी बहुत खुश नसीबी है। मैं ये चाहता हूँ कि अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनका उमरा कबूल फरमाएँ, आसान फरमाएँ। कि सिद्दीक टूर्स एंड ट्रैवल से जाने से हमें इतनी सहूलतें और इतनी आसानी मिली है कि वो हम भूल नहीं सकते। हर चीज़ पाबंदी पे, खाना पीना रहना, तारीखी मुकामें देखना, साथ में मौलवी जो हमें दिखाए, जो समझाए, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उससे ये मेरे उम्रे से मैं मुतमईन हूँ। तो मैं आवाम से गुजारिश करूँगा कि अगर कोई जाना चाहते हो तो सिद्दीक टूर्स एंड ट्रैवल से सफ़र करें, आसानी होगी और बिना कोई तकल्लुफ के आप वहाँ जाकर आसानी से उमरा कर सकते हो। ये मैं बोल रहा हूँ, आप एक बार जाइए, उसके बाद फिर बोल दीजिए। 25 अक्टूबर को अल सिद्दीक टूर एंड ट्रैवल से हम भी उमरा के लिए गए थे। अब जो नया काफिला जा रहा है, बहुत खुशकिस्मत है, और अल सिद्दीक टूर ट्रैवल्स वाले हरमाइन शरीफ में बहुत करीब से जगह पे मुकाम पे रुकाए थे और ज़ियारतें भी करे हैं, और मदीना शरीफ में भी बहुत करीब से ठहरे और वहाँ भी जो जो ज़ियारत है करा चुके हैं, और इनकी जितनी भी तारीफ करें कम है। जो भी अगर जाना चाह रहे हैं अल सिद्दीक टूर एंड ट्रैवल से गए तो उनके लिए बहुत बड़े फ़ायदेमंद हैं, और उन्हें आखिरी उमरा से करके आने तक साथ देते हैं। बहुत शुक्र अदा करें तो कम है। अल्लाह इनके टूर एंड ट्रैवल्स को बरकतों से ये करें, अल्लाह ताला से यही गुजारिश है हमारी। हमारे जमालुद्दीन साहब सिद्दीकी अल सिद्दीकी टूर एंड ट्रैवल्स की जितनी भी तारीफ करें उतनी कम है। हम लोग वहाँ पर 15 दिन मुखिम थे, किसी भी चीज़ की कोई भी कमी होने महसूस नहीं रही हमको। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि आप लोगों का भी सफ़र इसी तरह कटे और अल सिद्दीकी टूरिस्ट ट्रैवल्स का सिलसिला ता क़यामत तक चलता रहे। बस मैं इससे ज़्यादा कुछ अर्ज नहीं करना चाहता हूँ, और आप लोगों से अकबल गुजारिश करता हूँ कि तमाम कुल मोमिन मोमिनात के लिए दुआ कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हम लोग 23 नवंबर को काफिला रवाना हुआ था यहाँ से, तो तकरीबन 20 से 30 कुछ लोग थे। अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र बहुत अच्छे से रहा, और मेरा खुशकी तौर पे मैं 15 दिन के लिए नहीं गया था छुट्टी की वजह से, तो वाले सारा भी थे ही मदीने से वापस आया। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा आने जाने का इंतज़ाम भी लोग उनकी तरफ से ही हुआ। अब हम जो है इस सर्विस से सेटिस्फाइड हैं, कोई इशू नहीं है।
आप लोग रिफर कर सकते हैं, आपके दोस्तों अहबाब को बोल सकते हैं, रिश्तेदारों को बोल सकते हैं कि हर सिद्धिक में टूर सेंट ट्रैवल्स सपोर्ट करें और जाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं 2 दिसंबर को गया था यहाँ से उम्रे के लिए, मैं और हमारे अभीजान। बहुत अच्छा रहा सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह, और वहाँ के फैसिलिटीज़ बहुत अच्छे थे, और इनके फर्जन आसिम साहब सिद्दीकी वहाँ जिद्दा एयरपोर्ट पे लेने आते हैं और पूरा उम्रा वो कराते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी खिदमत है, खाने की फैसिलिटीज़ भी अच्छी है और अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये आज का हमारा प्रोग्राम 15 जनवरी का सुल्तान पैलेस में मुनक़िद हुआ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जिन जिन हज़रातों को हमने मदऊ किया, तमाम हज़रात तशरीफ़ लाए। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में जो भी हुज्जाज इकराम मोतमीरीन ने सफ़र करके हमारे अलसिद्दीकी टूर एंड ट्रैवल से वापस आए, उनकी भी तमाम हज़रात की गुलपोशी की गई। 17 जनवरी को जो बड़ा काफ़िला हमारा 37 आदमी पर मुस्तमिल जो जा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी भी गुलपोशी और उनकी तरबियत दी गई है। रब का एहसान है कि अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व ताला हमारे इस खिदमत खल्क को कबूलियत अता फ़रमाए और हमें इखलास से काम करने की तौफीक नसीब फरमाए। साथ ही साथ इंशाअल्लाह इसके बाद 24 जनवरी को भी हमारा एक काफ़िला रवाना होगा। इसका हमने ऑफ़र दिए हैं कि 93,000 का पैकेज था, इस मौके पर हमने कुछ दिन बाकी रहने की वजह से इसको 87,706 रुपीज़ में रखे गए हैं। जिन किसी हजरात को भी इस पैकेज में उम्रा करने की सआदत हासिल करना चाहते हैं तो हमसे राब्ता करें, हमारे ऑफिस पर आएँ, विज़िट करें, इंशाअल्लाह आपकी खिदमत हम करेंगे। कुछ ही दिन बाकी है जिसमें हमको शबे मेराज मदीने में मिलेगी। फिर उसके बाद 30 जनवरी को भी एक काफ़िला जाएगा जो 14 फरवरी को वापस आएगा इंशाअल्लाह। उसका सऊदी एयरलाइंस से 1,01,000 रुपये रखा गया है, इसका 1,10,000 रुपये था, इसको भी हम एक ऑफ़र में रखे हैं। 1,01,000 सऊदी एयरलाइंस से ये काफ़िला रवाना दमा होगा। और सारी चीज़ें जो इससे पहले हमने सैफ अल मस्जिद में रखे, लैंड्री की सहूलत, खाने की सहूलत, जिस तरह की पूरी सहूलतें जो हम कम पैकेज में दे रहे हैं, बड़े पैकेज में भी वही है, छोटे पैकेज में भी अल्हम्दुलिल्लाह वही है, सिर्फ ऑफ़र आपको दिया जा रहा है। 7 फरवरी को भी एक काफ़िला जाएगा, 14 फरवरी को भी एक काफ़िला जाएगा, 21 फरवरी को भी एक काफ़िला जाएगा, 28 फरवरी को भी एक काफ़िला जाएगा। इन सारों का रेट 93,000 होगा। जिन किसी हजरात को भी हमसे राब्ता करें, 10,000 बुकिंग में दें, अपना पासपोर्ट दें, जाने से 8 दिन 4 दिन पहले भी बाकी अमाउंट आप दे सकते हैं, इंशाल्लाह हमारी खिदमत ये रहेगी। और किसी को हमसे रब्ता करना है, हमारा नंबर मौजूद है आपकी स्क्रीन पर, हमसे फ़ोन पे कॉल करें या ऑफिस पे विज़िट करें। हमारे ऑफिस का एड्रेस है मुस्लिम चौक मस्जिद सालिहीन, 1st फ्लोर पर अलसिद्दीकी टूर एंड ट्रैवल, नाचीज़ का नाम, आपका खिदमत गुजार हाफिज़ मोहम्मद जमालुद्दीन सिद्दीकी, इंशाअल्लाह अल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम।